हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और हम सब एक रहेंगे, हमेशा एक रहेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने नहा के आई हूँ जस्ट, क्योंकि आज बनाए थे गेहूँ साफ़ किए थे ना, तो मतलब सर गंदा हो जाता है। तो हेयर वॉश भी किया है, सिंदूर नहीं डाला, भूल गई मैं अभी, नहीं तो भी डांट पड़ेगी मेरे पे। पहले सिंदूर डालूंगी, फिर किसी काम पे लगूंगी। तो आज कृष्णा आ गया है स्कूल से, तो बच्चों का मन था कि काली मसूर वाली जो दाल होती है ना वो बनाए, और चावल तो बस वही बनाऊंगी मैं। तो चलिए, आज मुझे बहुत कुछ बनाना है, आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है। तो मुझे जो मैंने कल बोला था, कमेंट आया था बरूले के लिए, तो वो भी आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलिए खाना बनाना स्टार्ट कर लेते। देखिए, ये मैंने आलू धुल करके रख दिए हैं, ऐसे इतना छोटा आलू होना चाहिए इसके लिए। ये देखिए छोटे छोटे आलू, तो अभी मैंने साफ करके रख दिए हैं, ये बनाऊंगी शाम को। बस अच्छे में आके मैंने दाल चावल चढ़ा दिए हैं और आलू आपको दिखाए थे वो कर दिए हैं। तो सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी अभी, क्योंकि आज अभी मुझे बताया था ना बहुत बनाना है, तो गाजर का हलवा भी मैं शायद बनाऊंगी, या तो आज बनाऊंगी या कल मरूले बनाऊंगी। तो चलिए पहले मैं थोड़ा छौंक की तैयारी कर लेती हूँ। दाल में सीटी तो आ रही है अभी, मतलब दो तीन सीटी मैं लगाऊंगी आ गई। और टमाटर वगैरह का छौंक लाऊंगी, क्योंकि आपको मैं बताया था इस टाइम ना मेरे यहाँ प्याज बहुत कम बनता है, टाइम सिंपल ही खाना बनता है। तो बस चलिए कर लेते हैं थोड़ा काम। तो यहाँ पे दाल बॉईल हो चुकी थी, तो मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है। मैं ये दाल को घी से फ्राई करूँगी, तेल से भी कर सकते हैं, बट मैं बस प्याज वगैरह तो डाल नहीं रही, सिंपल बना रही हूँ। आपको पता है कि इस टाइम दोपहर के टाइम पे जो मेरा खाना बनता है वो प्याज का कम बनता है, बहुत कम, भोग की वजह से। तो यहाँ पे हींग जीरा डाल दिया है, घी गर्म हो गया था। तो हींग जीरा गर्म होने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च काट के रखी है वो। और अब इसमें मैं मसाले भी ऐड कर दूंगी, तो मसाले में मैं सिर्फ धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर ही ऐड करूंगी, क्योंकि हल्दी मैंने पहले दाल में ही डाल दी थी बॉईल करते टाइम। तो लाल मिर्ची भी मैंने कम ही रखी है। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे पानी, जिससे कि आप देख रहे हैं मसाले सूखे सूखे लग रहे हैं, तो जल जाएंगे। थोड़ा सा मैंने पानी किया है जिससे कि मसाले जले ना। अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूंगी, तो मैंने ध्यान में रखते हुए नमक डाला है कि दाल में भी मैं डाल चुकी हूँ, थोड़ा सा ही डाला है मैंने, जिससे कि टमाटर गल जाएंगे अच्छे से और मसाले भी नहीं जलेंगे हमारे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर गल चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें पानी, क्योंकि दाल को मैं देख रही हूँ ना कितना है, गाढ़ी है या पतली है, तो दाल थोड़ी गाढ़ी है, इसको मैं थोड़ा सा और पतला करना है। तो यहाँ पे पानी में इस टाइम इसमें ऐड करूँगी, तो आप इसी टाइम करिए। जैसे पानी डाल हम तुरंत दाल में ही डाल देते हैं ना, तो वो अच्छी नहीं बनती दाल। अब देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ गया है, तब फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे। जितना पानी हमें रखना है, दाल पतली रखनी है, उतना पानी रखें। अब दाल में पानी में बॉयल आने दें, फिर हम दाल को डालें, फिर देखिएगा आपकी दाल कितनी अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए दाल को मैंने डाल दिया है, जितनी मुझे पतली चाहिए उतनी रखी है मैंने। तो दाल में बॉयल आ ही रहा है, क्योंकि उधर पानी भी बॉयल था। अब हमें दाल को ज़्यादा मतलब खौलाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और धनिया पत्ती जो मैंने काट के रखा है, हरा धनिया। तो यहाँ पे आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू मेरे यहाँ कम पसंद करते हैं, बट इसमें नींबू मेरे मायके में डलता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी पसंद है, मैं बाद में डालती हूँ अपनी दाल में। तो ये डाल के अब हम कर लेते हैं सर। दाल बन गई है देखिए पूरी तरह से। तो यहाँ पर सिर्फ दाल और चावल ही करूँगी, रोटियाँ मैं पापा जी के लिए बनाऊँगी, वो खाएँगे तभी, क्योंकि और सब ने मना कर दिया है रोटी खाने के लिए। और फिर सुबह मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था, मतलब वो ये ना हल्का सा, जब ब्रेकफास्ट हो जाता है हैवी तो फिर खाने का मन नहीं करता है, लंच करने का लगता है कि थोड़ा हल्का फुल्का ही हो जाए, तो दाल चावल ही हैं इस टाइम। तो यहाँ पे देखिए चावल मैंने परस लिए हैं और दाल परस ली है, आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि भाई आप लोग का भी बनता है, तो लीजिए। इसके साथ मैं लूँगी आम का अचार, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए आम का अचार मम्मी बहुत अच्छा डालती हैं, वो भी मतलब लाल मिर्ची के साथ डालती हैं। आप कहोगे ना तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करवा दूंगी, मम्मी जब डालेंगी तब, बहुत अच्छा अचार होता है ये। देखिए आप लोग भी खाइए दाल चावल और आम का अचार। तो चलिए मैं जब तक कुछ और काम देख देती हूँ, फिर मैं भी खाना खाऊंगी, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ फिर मैं काम करने के बाद बैठ गई थी, सबको खाना खिलाने के बाद मैं भी खाना खाने बैठ गई थी। तो यहाँ पर मुझे कुछ ना खाना खाने के टाइम ना कुछ याद आया था, वो मैं आपको आगे बताऊँगी क्या याद आया था मुझे। तो बस यहाँ पे दाल चावल मिल जाए ये वाले, तो बस बात ही क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
ये है तिरंगा झंडा, राघव का है ये। तो काम से भी फ्री हो गई हूँ मैं, कपड़े धुल गए हैं, मतलब जो भी काम थे सारे हो गए, खाना बन गया, कपड़े धुल गए, बर्तन साफ हो गए। तो अब सोचती हूँ आपसे थोड़ी देर बैठ के बात करते हैं। तो अभी ना मैं खाना खा रही थी, मुझे एक बात याद आ रही थी, खाना खाते खाते एक बात याद आ गई मुझे। तो वो बात क्या है कि ये दाल के चक्कर में ना मैं बहुत बुरी तरह जली थी एक बार। मैं पहले फ़ोन को ट्राईपॉड पर लगाती हूँ, तब आपसे बात करती हूँ। अब ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको, इस दाल के चक्कर में मैं इतनी बुरी तरह जली थी ना, बचपन में जली थी, और उसका निशान मेरे आज भी है इसी दाल के चक्कर में। क्योंकि ये दाल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, काली मसूर की दाल और चावल, मतलब मुझे आज भी पसंद है। अरहर की दाल मुझे इतनी पसंद नहीं है जितनी कि मुझे ये काली मसूर की दाल और चावल के साथ ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं सोचती हूँ कि चावल कम खाऊं, बट ये दाल बनती है तो मैं चावल कम नहीं खा सकती, चावल में ज़्यादा खाती हूँ इसके साथ में। तो हुआ क्या था कि बहुत छोटी थी मैं, शायद लगभग पढ़ रही होंगी 2 या 3 में ऐसी पढ़ रही होंगी। तो मैं अपनी नानी के घर पर रहती थी, वहीं पढ़ती थी मैं, छोटी थी ना, तो अपनी नानी के घर पर पढ़ती थी मैं। तो मम्मी ने मुझे वहीं छोड़ रखा था नानी के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ गांव, मतलब मैं जो रहती थी वहाँ गांव था, तो मम्मी ने सोचा कि उधर इसका एडमिशन करा देते, तो वहीं पढ़ी थी मैं। तो दो, मतलब वो 2-3 की होगी, तो मौसी थी मेरी, तो उनको पता था कि इसको काली मसूर की दाल पसंद है, तो उन्होंने किचन में दाल बना के रखी थी। तो पहले मैं छुट्टी से जैसे स्कूल से आई ना, मैंने मौसी से बोला, मौसी क्या बनाया? बोली कि दाल बनाई है तेरी वाली, काली मसूर वाली दाल। तो मतलब मुझे इतना सब्र नहीं हुआ, मैंने कहा है मुझे जल्दी से दो, जल्दी से दो, मतलब जैसे बैग रखा और जल्दी से मांगने लगी। मौसी का क्या था, मौसी ने सर्दियों की बात है ये बिल्कुल, मैं स्वेटर पहनी हुई थी, तो मौसी ने पालक उबाल रही थी, तो उन्होंने भगोने में पालक को ऐसे वो लेके आ रही थी, और मेरा एकदम किचन में जाना हुआ और उनका ऐसे करके आना हुआ, वो पूरा जो भगोना था ना मेरे इस वाले हाथ पे पलट गया, इस वाले हाथ पे पलट गया था। तो जो स्वेटर इतनी बुरी तरह जली थी ना मैं, कि मेरा जो स्वेटर था वो बिल्कुल चिपक गया था मेरे हाथ से, एकदम चिपक गया था बुरी तरह से। और मेरे मामा जी थे डॉक्टर बड़े वाले, तो झट से जो मौसी भाग के लेके गई हॉस्पिटल उनके पास, उन्होंने मतलब इतना, मैं बयां नहीं कर सकती, मुझे आज भी वो दिन याद है, कितना दर्द हुआ था जब मैं वो चीज़ याद करती ना, तो वही दर्द मुझे एकदम से लगता है कि कितना दर्द, वो स्वेटर चिपक गया था। तो आज भी ना वो निशान मैं आपको दिखाती, मेरे हाथ पे है, शायद आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो निशान है ना, ये वाला निशान मेरे आज भी है, बहुत यहाँ से लेके यहाँ तक, बट यहाँ तो सही है बिल्कुल, इतना निशान इतना गहरा था क्योंकि स्वेटर चिपक गया था। तो ये निशान मेरे आज भी है, मुझे जब भी इस निशान को देखती ना, तो मुझे अपनी मौसी पे गुस्सा आता है कि मौसी ने मुझे, मतलब बहुत दिन तक मैं यही कहती थी, किसने जलाया पूछते थे, तो मैं कहती थी मेरी मौसी ने मुझे जला दिया। तो आज भी ना ये चीज़ मुझे याद में, मतलब ध्यान रहता है जब भी इस जख्म को मैं देखती हूँ कि मैं जल गई थी पूरी तरह से इसी दाल के चक्कर में, इतना मुझे पसंद थी ये दाल। और ऐसे ही मेरे बड़े बेटे को ये दाल बहुत पसंद है, कृष्णा को, काली मसूर की दाल। तो जब भी बनाती हूँ इस दाल को, मैं जब भी खाने बैठती हूँ, तभी मुझे ये बात ज़रूर याद आती है कि इसके चक्कर में मैं जली थी। तो चलिए छोड़ो इन बातों को, जो हो गया जो हो गया, बट वो ये ना बचपन की बातें होती है ना, बचपन में ऐसी ऐसी आदतें होती हैं। बड़े में तो हम लोग उस, जैसे हमें कोई याद लग रहा है कि नहीं भाई ये हमें छोड़नी है तो हम छोड़ सकते हैं, बट बचपन में तो जो हमें चाहिए वो चाहिए, जबकि ये था कि दाल बनी है मैं खाऊंगी, बट सबर नहीं था ना इतना पर कोई नहीं। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा, थोड़ी सी देर लेटूंगी क्योंकि आज मेरे सर में हो रहा है दर्द, हेयर वॉश किया था सर्दियों में, फिर नहा के फिर इतना नहीं रहता कि सिर खोल के सुखा लूँ, मतलब गीला गीला सर रहता है ना, तो बस सर में थोड़ा सा हो रहा है दर्द, मैं लेटूंगी थोड़ा बिक्स लगा के, फिर मैं आपसे बात करती हूँ, शाम को मिलूंगी सीधा, फिर मैं बनाऊंगी बरूले। तो भाई जिन्होंने मुझे बोला है बरूले के लिए, वैसे मैं बरूले की डिश डाल चुकी हूँ रेसिपी, आप जिसने बोला है मैं उनके लिए बना रही हूँ, अमित के नाम से कमेंट था मुझे, उनकी वाइफ का, किरण का, तो उनके लिए मैं बरूले बना रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अभी थोड़ी देर। फिर ये टाइम है शाम का, तो मैं आ गई थी फिर यहाँ पे बरूले की तैयारी करने के लिए। तो एक साइड मैंने आलू बॉयल करने रख दिए हैं, वो छोटे छोटे वाले जो आलू थे, और अब मैं बना रही हूँ चटनी। तो यहाँ पे धनिया लिया है मैंने खूब सारा चटनी के लिए, क्योंकि चटनी इसके साथ ज़्यादा चाहिए होगी ना, तो चटनी बना लेते हैं, बड़े से जार में बना रही हूँ मैं। हरा धनिया डाल लेते हैं, इसमें हम डालेंगे एक हरी मिर्च, क्योंकि मुझे ज़्यादा तीखी नहीं रखनी है, बच्चे भी खाएंगे। जीरा डालना है, हींग डाला है,
जैसे नॉर्मल चटनी बनती है वही मैं बनाऊंगी, बट इतना ध्यान रखना है कि ये चटनी थोड़ी सी खट्टी बनती है, इसमें खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगता है चटनी में, क्योंकि भाई आपको पता है जो चाट मकौड़ों के साथ पकौड़ों के साथ में चटनी होती है खट्टी अच्छी लगती है। तो एक टमाटर डाला है मैंने यहाँ पर और इसको मैं चटनी को पीस लूँगी मिक्सी से। तो यहाँ चटनी पीस चुकी है, ये देखिए भाई अभी गाढ़ी बहुत है तो मुझे इसको थोड़ा सा पतला करना है चटनी को। तो ये देखिए पतला कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, इसमें गाढ़ी चटनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पतली ही चाहिए होती है चटनी। अभी मैं इसको और पतला करूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, जितना मुझे रखना है नमक ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नींबू। तो मैं खट्टेपन के लिए नींबू ऐड कर रही हूँ, आप खटाई भी यानी जो अमचूर पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है उससे भी। अभी मेरे पास था नहीं इसलिए मैं नींबू ऐड किया है। तो यहाँ पर चटनी तैयार है, अब हम कर लेते हैं बरूले की तैयारी। तो आलू बॉयल हो चुके हैं, इनको मैंने एक छलनी में निकाल लिया था, इसका पानी बिल्कुल अलग कर लिया था। अब हम घोल लेते हैं इसके लिए बेसन। तो यहाँ बेसन लिया है मैंने, तो आप बेसन अपने हिसाब से लीजिए जितना आपको चाहिए। और इसको ना हमें थोड़ा सा गाढ़ा ही घोल बनाना है, ज़्यादा पतला नहीं बनाना। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी लाल मिर्ची का पाउडर और हींग, बस यही डालूँगी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जैसे कलर के लिए भी डाल सकते हो कलर, या हल्दी भी थोड़ा सा डाल सकते हो अब अगर आपको ज़्यादा इसका कलर डार्क चाहिए तो। तो मैं नेचुरल ही रखूँगी। तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालिए, मुझसे ना एकदम से ज़्यादा गिर गया था। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ना तो इसके घुटले नहीं रहेंगे इसमें, और स्मूथ सा एकदम से बैटर बन जाएगा अच्छा। तो यहाँ पे इसको अच्छे से फेंट के और घोल बना लीजिए इसका, इसमें ऐसे घुटले ना रहें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं डाल दूँगी इसमें नमक, जितना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही रखना है थोड़ा सा, क्योंकि आलू फीके फीके रहते हैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा नमक रखना है बस, इतना भी ज़्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, मतलब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा आप नमक। तो यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई, इसमें किया है सरसों का ऑयल, मैं सरसों के ऑयल से ही बनाऊँगी। तो लीजिए बस यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है, अभी आलू में इसमें ऐसे करके डाल लेते हैं देखिए इस तरह से, और ऐसे धीरे धीरे एक एक करके आलू छोड़ते जाएंगे, आलूओं को अच्छे से बेसन में कोट करके छोड़ते जाएंगे जल्दी जल्दी, फटाफट से बन जाता है, बहुत टाइम नहीं लगता क्योंकि एक साथ बहुत सारे बन जाते हैं तो आप दो तीन लोगों को आराम से एक साथ सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जितने कढ़ाई में आ जाए आप उतनी इसमें छोड़ दीजिए, ये देखिए इस तरह से। और तो ये सिर्फ भाई मैं ये नहीं सोच रही, आप ये मत सोचिएगा दो दो बार रेसिपी शेयर कर रही है, मैं किसी के कहने पे कर रही हूँ भाई, आप लोगों का कहना मुझे मानना है, आपने कहा था रेसिपी शेयर करने के लिए ये वाली, तो इसलिए मैं कर रही हूँ इसे। तो बस इस तरह से आप इसको, ये देखिए स्टेपला लकड़ी की है, मुझे दिव्या ने बोला था कि दी आप लकड़ी का स्टेपला यूज़ किया करो इस वाली कढ़ाई में, तो था तो मेरे पास लेकिन मुझे ना थोड़ी आदत कम है और हाथ जो पड़ता है वही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सेक चुके हैं अच्छे से, आप जानते हो कितना सेकना है, ऐसे मकौड़े पकौड़े सेकते हो उसी तरह से हमें इसको सेकना है। तो ये देखिए यहाँ पे तैयार हैं बिल्कुल बन गए हैं, तो अब इन्हें हम कर लेते हैं सर्व एक प्लेट में। तो सर्व करने का तरीका मैं आपको इसको बता देती हूँ किस तरह से सर्व करते हैं इनको। यहाँ पे एक प्लेट में इनको डालिए, जितना भी आपको लेना है, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, मन कर रहा है खाने का, ये देखिए मैंने इसमें डाल लिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक कटोरी, या आपके पास अगर मैशर है तो वो, तो इस तरह से इसको आलूओं को थोड़ा सा दबा लीजिए, इससे आलू फूट जाएं, देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे अच्छे से, इस तरह से दबा लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे चटनी, इसमें अगर ऐसे चटनी डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देती है, अंदर आलू तक पहुँच जाती है वो चटनी, नहीं ऊपर ऐसे डाल देते हैं तो फिर आलू अंदर से फीके फीके लगने लगते हैं। तो एक डिम्पल दीदी ने भी पूछा था मुझसे कि आलू फीके रहते होंगे, तो दीदी इस तरह से अब अगर आप डालोगे ना चटनी तो फीके नहीं लगेंगे, क्योंकि आलू फूट जाते हैं ना, फिर उसमें चटनी भी भर जाती है। चटनी पतली ही रखिएगा और खट्टी, मतलब जो अच्छी चटनी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे कर लेते हैं इसको सर, मैंने कर दिया, थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे, अगर आप तीखा खाना चाहते हो तो मिर्ची भी डाल सकते हो ऊपर से, थोड़ा नमक भी ऐड कर सकते हो अगर आप ज़्यादा वैसा खाना चाहते हो तो, बट मेरे लिए इतना सफिशियंट है, मैंने इतना ही रखा है। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया है ऊपर से, तो आप खा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज वीडियो का मैं यहीं से करूँगी, तो लीजिए आप भी इसका एंजॉय कीजिए, खा लीजिए, मैं बच्चों को देती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।